नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पप्पू यादव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जमानत मिल गई है और अब वह जेल से बाहर आ सकते हैं। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है पप्पू यादव को लेकर। लगातार उनके जो समर्थक थे, उनके जो नेता कार्यकर्ता थे, वह इस चीज की मांग कर रहे थे कि उन्हें जमानत दी जाए, उन्हें रिहा की जाए और तमाम तरह के प्रदर्शन आंदोलन भी किए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सेशन कोर्ट ने अब जमानत दे दी है, तो अब पप्पू यादव जो है वह जेल से बाहर आएंगे। हालांकि वह डीएमसीएच में थे, तबियत खराब होने की वजह से उनका इलाज चल रहा था, वहीं पर थे। और इसी के साथ अब जो सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, तो पप्पू यादव अब बहुत जल्द पटना भी आएंगे। तो सबसे बड़ी खबर है जो लगातार 20 दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। करीब 20 दिन पहले पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त पप्पू यादव को एक 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। अगर आप पूरी घटनाक्रम को याद करेंगे तो आपको याद होगा कि उस दिन वह मधेपुरा से पुलिस भी आई थी और उसके बाद उन्हें एक 32 साल पुराने मामले में पटना से लेकर चली गई थी। शुरुआत हुआ था पटना के पीएमसीएच में पप्पू यादव के जाने से। वहां पर वह पहुंचे थे, उसके बाद पुलिस के तमाम जो पदाधिकारी है उनके आवास पर पहुंचकर उन्होंने यह कहा था कि पप्पू यादव ने जो लॉकडाउन का उल्लंघन है वो किया है और इसके चक्कर में इसके चलते उन्हें गांधी मैदान थाना जाना पड़ेगा। गांधी मैदान थाना लेकर जाया गया था और उसके बाद फिर 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। मधेपुरा लेकर जाया गया था, लेकिन मधेपुरा के बाद उन्हें सुपौल के रानीगंज जेल में रखा गया था। और उस दौरान फिर जिस तरीके से बीरपुर जेल में रखा गया था, और बीरपुर जेल के बाद उन्हें उनकी तबीयत जब खराब हो गई थी, तो उसके बाद उन्हें डीएमसीएच में लाया गया था। डॉक्टरों की टीम जो है वह उनके निगरानी में रखी हुई थी। लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट आ रहे थे और लगातार जमानत को लेकर भी पप्पू यादव जो है वह प्रयास कर रहे थे। और इसी बीच अब जो बड़ी खबर सामने आई है, पप्पू यादव जो है वह रिहा हो रहे हैं। सेशन कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है, जमानत दे दी है। तो फिलहाल पप्पू यादव जो है वह डीएमसीएच में है। 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। तो पप्पू यादव अब बहुत जल्द पटना लौटेंगे। एम्बुलेंस मामला जो सामने आया था, उसके बाद से पप्पू यादव इन दिनों काफी चर्चा में थे। उसके दो दिन बाद ही पप्पू यादव पर कार्रवाई हो गई थी, तो जिसको लेकर लगातार पूरे बिहार भर में लोग काफी गुस्से में थे। लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से पप्पू यादव सरकार के खिलाफ खुलासा कर रहे हैं, तो इसी का परिणाम जो है कि पप्पू यादव को जेल भेजा गया है। हालांकि अब जमानत मिल गई है और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत